किराए विभाग में ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ठेके पर रखे कर्मचारियों के करोड़ों रुपए हड़प गए। इसका खुलासा तब हुआ जब कर्मचारी यूनियनों ने इस लूट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मुख्यमंत्री के नोटिस में जब यह मामला आया तो उन्होंने विजिलेंस जांच के आदेश जारी किए। पिछले 3 वर्षों से ठेके पर रखे कर्मचारियों का ईपीएफ व ईएसआई का करीब 238 करोड़ रुपए उनके खाते में ना जाकर ठेकेदारों की जेबों में चला गया। मंत्री कविता जैन और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन के विजिलेंस जाँच के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी है। स्थानीय निकाय विभाग में करीब 400 ठेकेदारों ने 11,000 पालिका कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई के 238 करोड़ रुपए अधिकारियों की मिलीभगत से हजम कर लिए। ठेकेदारों ने कर्मचारियों के ईपीएफ की राशि ना तो उनके खातों में जमा करवाई और ना ही कर्मचारियों के ईएसआई कार्ड बनवाए इनमें अधिकतर सफाई कर्मचारी हैं। ठेकेदारों ने कर्मचारियों के ईपीएफ की राशि ना तो उनके खातों में जमा करवाई और ना ही कर्मचारियों के ईएस कार्ड बनवाए। इनमें अधिकतर सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें औसत 11,500 रुपए मासिक वेतन मिलता है। इस राशि का करीब 50% हिस्सा ठेकेदार हड़प कर रहे हैं। इसमें करीब 30% राशि सरकारी खजाने से तथा 20% राशि कर्मचारी के वेतन से ठेकेदार के पास पहुँचती है। कर्मचारियों को सिर्फ 6,000 रुपए मासिक ही मिल पा रहे हैं। हरियाणा में 10 नगर निगम, 16 नगर परिषद और 61 नगर पालिका हैं। मुख्यमंत्री ने कड़ा फैसला लेते हुए इन निकायों के डीडीओ को आदेश दिए हैं कि यदि 31 मई तक ईपीएफ की राशि कर्मचारियों के खातों में नहीं आई और ईएसआई कार्ड नहीं बने तो उनका जून माह का वेतन रोक लिया जाएगा।